ये शुरू हो चुका है वाट। दोस्तों ये आ गया मेरा घर, नया घर बना दिया हल्द्वानी में कावड़धाम पे। जिसको भी अगर आना होगा तो फटाफट यहाँ पे आइए। मेरे क्या कड़क लग रहा है यहाँ से नैनीताल, देख सकते हैं आप। ये कमर भाई आप तस्वीर लेने के लिए तैयार हैं? अपनी मंजिल के करीब यहाँ पहुँचने वाले हैं। लो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। और बहुत दिनों बाद आया मेरा ब्लॉग देखने को मिल रहा है। और आज मैं जा रहा हूँ नैनीताल, तो आपको दिखाता हूँ। नैनीताल में मैं जाऊँगा टिप्पन टॉप, तो वहाँ का कुछ नज़ारा दिखाऊँगा। ज़्यादा बड़ा ब्लॉग तो नहीं हो पाएगा क्योंकि काम भी है, तो वहाँ का दिखाता हूँ। और एक नया घर बनना है, वो भी दिखाता हूँ आपको यहीं हल्द्वानी कावड़धाम में। और किसका है क्या है वो आपको वीडियो में बाद में पता लगेगा। मिलते हैं आपको सीधे रास्ते में। ये बढ़िया जगह है टिप्पन टॉप, ये नैनीताल में सबसे ऊपर पे है। सब कुछ दिखता है यहाँ से। मौसम भी आज साफ खिला हुआ है यहाँ पे। धूप का आनंद लेते हुए पैदल पैदल सुहाना सफर और ये मौसम हसी। अब नैनीताल आ गए, यहाँ नहीं गए तो क्या बात भी कोई हो। यहाँ से है गाड़ी खड़ी करके जाना हुआ, यहाँ खड़ी करके गाड़ी लोगों ने। और यहाँ से है भी पैदल आए को, हम तो बुरा ही पैदल आ गए नीचे से। ये शुरू हो चुका है वाट। बाहर दिख गया, मैं तो नीचे को दौड़ लगा दूंगा, तो मैं यहीं रहना। आ गएगा तो ड्राइंग ड्राइंग करेगा बाघ। मैं तो भाग जाऊंगा भाई नीचे को, मैं तो बाघ का सामना करने वाला हूँ। जंगल है बाट, पानी की पाइपलाइन, कुछ तगड़ा रास्ता। टिप्पन टॉप नैनीताल की एक खास जगह है। यहाँ से आपको नैनीताल का बढ़िया सेव दिखेगा ऊपर से। अगर वहाँ पहुँच जाएंगे तो दिखाएंगे। ग्राउंड ऐसा आ रहे हैं भी, रास्ता कुछ ऐसी है, लैंडस्लाइड भी कहीं हुई है। आज बहुत समय बाद यहाँ पे आ रहा हूँ। काफ़ी सुकून भी है, शांति भी है यहाँ पे। देख सकते पीछे पहाड़ में धूप भी खिली हुई है, लेकिन जंगल में घना जंगल के कारण यहाँ धूप नहीं आई अभी। बचाने वाला भी कोई नहीं मिला है यहाँ पर। ये है जंगल का व्यू। पहुँच चुके हैं, हमें मिल चुकी है धूप। आए हाय क्या मजा आ गया। मौसम देख सकते हो कितना नीला आसमान है। और पहुंच चुके हैं हम अपनी मंजिल में। दिखाते हैं आपको बैक कैमरे से, तो यहाँ से पहले यहाँ से दिखा देते हैं आपको कैसा है करके कुछ। ये देखो कुछ यहाँ से ऐसा नज़ारा है। क्या कहते हैं ये स्कूल कौन सा है यार? शेरू बिल्डा शेरूड तो नीचे था। ये देखो आप, अभी टिप्पन टॉप का आपके पहुँचे नहीं है हम, लेकिन फिलहाल यहाँ से ऐसा है कुछ नैनीताल। ये देखिए गोल्फ का भी कुछ ग्राउंड जो दिख रहा है थोड़ी बहुत। अभी हम सामने जाते हैं, वहाँ से भी आपको ताल के दर्शन भी कराएंगे जब हम सामने होंगे इसके। अभी ताल भी दिखेगा आपको। ये देखो खच्चर भी मिल जाते हैं चढ़ने के लिए, जो चाहिए तो। पहुँच ही गई आखिरकार हम टिप्पन टॉप। यह है दुकान, वो यहाँ से हम दिखाएंगे ऊपर का नज़ारा। ठीक है, मदारी 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 मदारी। हाँ, हमने फतह कर लिया टिप्पन टॉप। तो दोस्तों ये रहा यहाँ से कुछ ऐसा है नज़ारा टिप्पन टॉप से। टॉप में यहाँ से हिमालय भी दिखाता हूँ आप लोगों को। वो देखो दादी दोस्तों, आगे हिमालय पर्वत आज साफ दिख रही है यहाँ से। ये देख सकते हैं आप सामने पे, नीचे ताल। जूम करके दिखाते हैं आपको सब जगह का इलाका यहाँ से। ये देखिए अरे पॉइंट है जो दिखा रहा हूँ आपको मेन मेन। कुछ तो हो चुका है, देखा होगा हमने टिप्पन टॉप कैसा लग रहा है वहाँ से ऊपर से। और आज काफ़ी मौसम भी काफ़ी प्यारा खिला हुआ है। और हम पैदल पैदल निकल चुके हैं यहाँ से फिर से घर की ओर। और ज़्यादा कुछ तो दिखा नहीं पाया, लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें इस वीडियो को। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। पत्थर वाला रास्ता है नीचे, देखिए जरूरी चलना पड़ता है, घुड़ी गए तो अभी फिर। दोस्तों ये आ गया मेरा घर, नया घर बना दिया हल्द्वानी में कावड़धाम पे। जिसको भी अगर आना होगा तो फटाफट यहाँ पे आइए मेरे घर पे, ठीक है? और घर में विजिट कीजिए बढ़िया से।
और नया नया घर वहाँ भी बना रखा मैंने, देख सकते हो लोकेशन देख सकते हैं आप। पेट्रोल भारत पेट्रोल पंप के सामने है मेरा ये नया घर, ये भारत पेट्रोल पंप नया घर है मेरा। जिसको भी यहाँ पे होम स्टे जो भी चाहिए था यहाँ पे आइए, फिलहाल ये मैंने बैठा रखे मेरे अम्मा बबू सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं अभी पीछे से देखना ये भेड़ी है। ओ ठीक है देखो दुबो बोले भेड़ी आमले भेड़े शैंड ले भेड़े पीछा बटी दीदी शैंड धरी मिल और ये बड़े बड़ा गाड़ी लिया आज। ठीक छो कभी भी अगर आपको आना होगा हल्द्वानी घाटधाम तो ये घर है अपना प्रस्तुत है यहाँ पे, आइए यहाँ पे बिल्कुल विजिट कीजिए। देखिए ठीक है ये देखिए अपना गाँव है और तुरंत मेन रोड भी आपको साथ में मिलेगी, मेन रोड में बना रखा है ये। दोस्तों वापस आ चुके हैं घर, काफ़ी थक गए थे और कैसा लगा ब्लॉग जरूर बताएं कमेंट में, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। ज़्यादा उसे दिखा नहीं पाया मैं लेकिन फिर भी अगर कैसा लगा अगले ब्लॉग किस पे डालेंगे भी बताइएगा, और नए हैं अगर चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर बजाइएगा। ठीक है मिलते हैं आपको ऐसे ही कुछ नए ब्लॉग्स में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम जय हनुमान।